आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑल द बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब टोटल नेट चार्ज या एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि क्वांटिफाई करना कि किसी बॉडी में नेट चार्ज कितना होगा, उसको हम उसकी क्वांटिटी निकालते हैं कि उसमें कितना चार्ज आ सकता है किसी बॉडी के ऊपर, या कोई बॉडी कितना चार्ज एक्वायर कर सकती है। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू विच द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन बेसिक ऑफ चार्ज। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज, या कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगा वो है। इसका फॉर्मूला है क्यू, क्यू है ये टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, और प्लस माइनस चार्ज क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एन, एन है इंटीग्रल मल्टीपल, एन की वैल्यू हम लेते हैं एन 1, 2, 3, 4, 5, हमेशा एन की वैल्यू ही आएगी इंटीग्रल मल्टीपल, फ्रैक्शन में नहीं आएगी जैसे 1.2, 1.5 ऐसे नहीं आएगी। ई, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। जब मैं तुमको पहले बता चुका हूँ उसकी वैल्यू कितनी है, तो विच इज द बेसिक और फंडामेंटल चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एज चार्ज एग्जिस्ट इज डिस्क्रीट पैकेट्स रादर देन इट्स कंटिन्यूस मैनर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो अलग डिस्क्रीट पैकेट्स का मतलब ये है कि अलग अलग उसमें वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही कम उसी का मल्टीपल में किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है काज ऑफ क्वांटाइजेशन, कि क्वांटाइजेशन क्या कारण है, क्यों होता है क्वांटाइजेशन। तो मेन क्वांटाइजेशन कारण यही है कि कोई बॉडी में क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज क्यों शो करती है, उसका यही है कि जब भी किसी बॉडी में से या तो चार्ज उसमें से निकलेगा या तो उसमें चार्ज एंटर करेगा, तो हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें से, या फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, दो करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला, तो हमेशा मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 1, 2, 3 ऐसे। तो ये इसी कारण जो बॉडी है वो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी शो करती है। इसमें हम डेफिनेशन दें, एज द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हैंस द काज ऑफ क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ वैसे ही है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था कि दो मास के बीच में, कि दो मास के बीच में इतना फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सेम वैसे है, उसी की कॉपी करके ये कूलॉम्स ने ये लॉ बनाया था, कूलॉम्स लॉ। ये चार्ज, ये कूलॉम्स लॉ बताता है कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कितनी वैल्यू में होगा। तो उसने सेम टू सेम वैसे ही बनाया इसको, इसका अकॉर्डिंग टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज, तो चार्ज हमेशा क्या होंगे, स्टेशनरी, चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए। तो कूलॉम्स लॉ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ चार्ज क्या है, स्टेशनरी है। तो इसमें फर्स्ट है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का। ये मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये चार्जेस एक वन है चार्ज Q1, एक चार्ज है Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस है r। तो जो फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इन चार्ज के प्रोडक्ट के, चार्ज Q1 और Q2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है r, उसके क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अगर इन दोनों को कंबाइन करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 / r। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, उसको इक्वलिटी में इक्वल साइन में चेंज करते हैं, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म लगाएंगे k, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी
जो इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस किस मीडियम रखे हैं, वो एयर में रखे हैं किसी लिक्विड में रखे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आती है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। अब इन अगर SI सिस्टम में K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वेयर। तो अगर हम K की वैल्यू पुट करें यहाँ तो इसकी फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर।